डियर स्टूडेंट, टुडे क्लास 10th मैथ्स सैंपल पेपर पार्ट 1 सेक्शन 2 में आपको केस स्टडी पर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इस बार केस स्टडी से मतलब है कि आपको कुछ एक स्टोरी, एक पिक्चर डिस्प्ले की जाएगी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ स्पेशल इस बार फर्स्ट टाइम ये केस स्टडी वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, जिनको समझना जरूरी है कि हम उन क्वेश्चनों को कैसे अटेम्प्ट करें। यहाँ के हर एक क्वेश्चन में 5 पार्ट होंगे और उनमें से 4 को अटेम्प्ट करना होगा। मीन्स आपके इस तरह के 4 क्वेश्चन होंगे और 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स से होंगे, लेकिन हर क्वेश्चन में एक इंटरनल चॉइस होगी। मींस 5 ऑफ क्वेश्चंस होंगे बट आपको अटेम्प्ट करने होंगे 4। मींस कुल मिला के वो क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा और ऐसे 4 क्वेश्चन है तो 4 × 4 16 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको केस स्टडी पर बेस्ड करने होंगे और वो आपके 16 मार्क्स के होंगे और वो सभी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो हम आज फर्स्ट एक केस स्टडी को लेके डिस्कस करना चाहते हैं कि आपको एक क्वेश्चन किस टाइप के हो सकते हैं। वो आपकी बुक के सिलेबस पर बेस्ड होंगे बट आपको ध्यान रखना होगा कि आपने बुक को स्टडी को बुक स्टडी सही से की है तो आप उन सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो ज़रूरी है कि आपको वो सारे जितने भी चैप्टर्स आपकी बुक में हैं उनको केयरफुली स्टडी करें और वन बाय वन हम यहाँ पर एक केस आज लेते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन कहा है कि ए मैथमेटिक्स टीचर ऑफ ए स्कूल टुक हेयर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स टू शो रेडफोर्ड। इट वॉज ए पार्ट ऑफ देयर द एजुकेशनल ट्रिप। द टीचर हैड इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री एज वेल। सी नैरेटेड द फैक्ट ऑफ द रेडफोर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। देन द टीचर सेड टू said in this moment one can find combination of the solid figure. There are two pillars which are cylindrical in shape. Also two domes at the corner which are hemispherical. 7 smaller domes at the center. Flag hoisting ceremony on the independent day take place near these domes. Normally आपको ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें रेड फोर्ट की एक पिक्चर को डिस्प्ले किया गया जिसमें आपको कहा गया कि इस टाइप की आपको केस स्टडी के क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें आपको एक पिक्चर दी गई, इसके नीचे आपको केस स्टडी दी गई, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगे और ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको 4 को अटेम्प्ट करना है। तो वन बाय वन क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कहा है उसने कहा हाउ मच क्लोथ मटेरियल will be required to cover 2 big domes each of radius 2.5 centimeters. यहाँ इसको इंडक्टर में कहने का मतलब है कि आपको डोम जो हेमिस्फेरिकल है उसका कट सरफेस एरिया निकालना है। उसने क्या है कि 2 डोम्स हैं उनको कवर करने के लिए आपके पास जो क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी। तो कट सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल डोम, तो फर्स्ट आप यहां इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 में फर्स्ट पार्ट है और उसमें कहा है द हाउ मच क्लोथ मटेरियल तो रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड क्लोथ मटेरियल क्लोथ मेटेरियल जो होगा वो टू हेमिस्फेरिकल डोम है और डोम मीन्स आपके पास जो कवर्ड सरफेस एरिया होगा वो 2πr होगा, 2πr² बट आपको मालूम है कि यहाँ पर जो रेडियस है वो 2.5 मीटर गिवेन है। यदि आप इसमें 2.5 मीटर यहाँ यूज करते हैं तो आपके पास 2 × 2 × 22/7 और यहां पर 2.5 ऑफ स्क्वायर आप करेंगे
तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ये आपके पास हो 4 इंटू, यदि आप 22/7 की वैल्यू को 3.14 भी यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर जो 2.5 है, 2.5 इंटू 2.5, आप यदि इसको लिखेंगे और यहाँ से आप इसको डेसिमल हटा दें तो ये आपके पास क्या टर्म्स होगी देखेंगे। यदि आप सिंप्लाई करते हैं तो ये 4 इंटू 25 100 हो जाएगा, इंटू 3.14 इंटू 25 बाई 10 भी है, तो आप ये 10 इंटू 10 है, ये 10/10 कैंसिल कर देंगे और ये आपके पास 3.14 इंटू 25 है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो 25 4 100 होगा, 25 25 प्लस 10 35 होगा, 25 3 75, 75 प्लस 3 78। यहाँ से मीटर स्क्वायर क्लोथ की रिक्वायरमेंट होगी 78.5 मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकेंड पार्ट में कहा गया है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंड्रिकल प्लग। तो वॉल्यूम ऑफ, अब सिलेंडर जो नॉर्मली सिलेंड्रिकल है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है वो क्या होगा, होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर आपके पास रेडियस ऑफ द प्लग है, हाइट ऑफ द प्लग एच है, उसको यूज करके हम यूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सी कहने, यहाँ पर इसको ए बी सी मार्क किया हुआ है, ए यहाँ मार्क किया है बी, फिर सी मार्क करेंगे। तो सी में कहा है फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द टू प्लग, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू प्लग। अब प्लग जो आपके पास है वो दोनों प्लग हैं, अब उनमें प्लस के वो सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो 2 प्लस आपके पास होंगे, यहाँ पर 2 सरफेस एरिया है तो 2 पाई आर एच हम यहाँ लिखेंगे। और उसमें आपको कहा है कि प्लग इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ दिस 1.4, तो आप इसको यूज कर दें एज 4 इंटू 22/7 और रेडियस आपके पास गिवेन है 1.4 और हाइट है 7। यदि आप 7 से 7 को कैंसिल कर दें और यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या होगा 88, या यहां से आप कर दें 22 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5.6। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 11 इंटू मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो ये 2 आएगा, 2 5 10 प्लस 1 11 होगा। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 2.22, 11 प्लस 2 3 और 11 हो जाएगा 11 प्लस 1 12, 132.2 मीटर। अब यदि इसमें डायमेंशन आपको दी है मीटर्स में तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास सी का आंसर आ गया। डी पार्ट्स में जा रहे हैं हाउ मच इज द वेल वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर रिकर हेमिस्फेयर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 3.5 मीटर। डी पार्ट में कहा गया है कि हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हमारे पास होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और आपको यहां जो गिविंग इंफॉर्मेशन है उसमें आपके पास पाई को 22/7 और आर की जो वैल्यू गिवन है 3.5 मीटर है, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 इस तरह से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि आप देखेंगे यहाँ पर 10, ये भी 10 होगा, डेसिमल को जब आप हटाएंगे तो ये नॉर्मली क्या होगा 7 5 जा और 5 2 जा कैंसिल हो जाए। फिर यदि आप उसको आगे भी करते हैं तो 10 2 और ये 7 आएगा, यहाँ से 2 और ये 7 आ जाएगा। यदि इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास देखेंगे, ये 2 से आप 1 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से 2 22 कैंसिल करेंगे, तो आपके पास जो वैल्यूज बची हैं उसको एक बार लिखेंगे 11 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दें 11 इंटू 49 डिवाइड बाई 6 है तो ये आएगा आपका 9 3 5/6 और यदि 6 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या होगा
सिक्स एट जा 48 और ये 5 और फिर आपके पास 59 और 6 7 जा 7 9 6 9 जा 54 और पॉइंट 6 8 जा 48 एंड ये अप्रोक्सीमेट 3 मीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेयर आ जाता है। देन लास्ट क्वेश्चन आपको कहा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टू हेमिस्फेयर ऑफ इट इज इट 1 मीटर। अब आप यहाँ जो ई पार्ट्स है ई पार्ट से करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ टू रेशियो पूछी उसने तो सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर तो वॉल्यूम ऑफ यहां करें तो सम निकालना है सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हेमिस्फेयर तो यहां पर आपके टू से मतलब है टू से मल्टीप्लाई कर दें और यहां पर आपके पास टू हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है वो आता है 2 इंटू 2 बाय 3 पाई आर क्यूब। आप इस तरह से कर देंगे तो यहां आपके पास ऑलरेडी है 4 अपॉन 3 22 बाय 7 और यहां रेडियस 1 है तो ये अप्रोक्सीमेट क्या आएगा नॉर्मली आप इसको लिख लें 488 या पाई की वैल्यू वो एलिट भी रखना चाहें तो ये भी कर सकते हो। ये आपके पास आ जाएगा पाई इंटू 1 ऑफ क्यूब मीन्स आप लिखेंगे 4 अपॉन 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फिर सेकंड पार्ट में कहा गया है रेशियो किसकी निकालनी है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में कहा गया है कि आपके पास जो रेडियस है नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4 अपॉन 3 पाई आर क्यूब। अब आप यहां पर रेडियस गिवन आपको 2 तो 4 अपॉन 3 पाई और 2 ऑफ क्यूब मीन्स ये हो जाएगा 4 अपॉन 3 पाई इंटू 8 सेंटीमीटर क्यूब। तो रेशियो आपको निकालनी थी रेशियो ऑफ द बोथ केस। अब रेशियो में आपके पास दिस अपॉन दिस करेंगे तो 4 अपॉन 3 पाई डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 3 पाई इंटू 8 तो ये आपके पास पाई कैंसिल हो गया 4 अपॉन 3 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1 अपॉन 8 ऑफ दिस आंसर। आपके जो केस स्टडी क्वेश्चन थे आप वन बाय वन इसी तरह से केसेस को पढ़ेंगे स्टडी करेंगे और इनके सॉल्यूशन को इसी तरह से करेंगे। अब आपके पास हमने एक क्वेश्चन को स्टडी किया सेम आपके पास और भी क्वेश्चंस होंगे सेम उसी तरह से आप इनको ट्राई करेंगे। इस तरह से आपके पास और भी हम वन बाय वन केस स्टडी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इसमें आप इनको सभी को सॉल्व कर लेंगे।